गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आइए आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं। हिंदी ग्रामर से कारक, केस, कारक पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के बारे में सारी बातें करेंगे। तो आइए कारक का डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। कारक क्या है? क्रिया और संज्ञा, क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का शब्द बताता है, उसे कारक कहते हैं। किसे कारक कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम अन्य संज्ञा व सर्वनाम तथा क्रिया के साथ संबंध को स्थापित करते हैं, संबंधित करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है कि विकास ने साइकिल खरीदी। उसने निखिल को बाजार भेजा। तीसरा वाक्य है कमल बस से कोलकाता गया। तो ये सारे वाक्य जो हैं, इन वाक्यों में विकास से, निखिल को, बस से, ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रियाओं से संबंध को प्रकट कर रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं। तो अच्छी तरह से डेफिनेशन क्या हुआ? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध बनता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संज्ञा या सर्वनाम का शब्दों का प्रयोग क्रिया से संबंध का प्रकट करने वाला ही कारक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक चिन्ह। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक चिन्ह या परासर्व कहलाते हैं। कारक चिन्ह को हम परासर्व नाम से भी जानते हैं। तो ये चिन्ह क्या क्या है? ने, को, से, के लिए, में, से, पर, ये सारे कारक चिन्ह होते हैं। तो आइए, यहाँ पे कारक के 8 भेद लिखा हुआ है और इसके साथ साथ इनका चिन्ह भी है। कर्ता का चिन्ह हुआ ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अधि, अहो, अजी, अरे, ये सारे जो है वो इसके चिन्ह हो गए। तो इसका सबसे पहला कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता का अर्थ करने वाला होता है। कर्ता का अर्थ करने वाला होता है। जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है कर्ता का चिन्ह ने, यानी राम ने कलम खरीदी। यहाँ पे चिन्ह क्या लगा? ने। इस वाक्य में राम क्रिया का करने वाला है, यानी कौन इसमें कौन है? कर्ता क्या हुआ? यहाँ पे कर्ता राम हो गया। इस वाक्य में कर्ता राम, इसका कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। उसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। पार्थ ने खाना खाया, शिवाजी ने कहानी लिखी, तुमने मुझे बुलाया, यानी इसमें कर्ता का चिन्ह लगा है, ये कर्ता कारक है। दूसरा आता है कर्म। कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है? को। तो जैसे राहुल अजीत को पढ़ाता है, यहाँ चिन्ह क्या लगा? को। अध्यापक हर्ष को पिटता है, यहाँ चिन्ह क्या लगा? को। तो इन वाक्यों में कर्म कारक यानी क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। तीसरा आता है करण कारक।
करण कारक का चिन्ह है, करण का चिन्ह है से। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह होता है से। जैसे नीतू चाकू से फल काटती है, किससे फल काटती है तो चाकू से। रोहित साइकिल से गांव गया, साइकिल से। उसे पत्र के द्वारा सूचना मिली, यहाँ पहले वाक्य में चाकू, दूसरे वाक्य में साइकिल और तीसरे वाक्य में पत्र क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अतः चाकू साइकिल पत्र करण कारक कहलाएंगे। अगला है चौथा नंबर संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। वाक्य में जिसके लिए किया की या क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है को के लिए। जैसे संगीता ने अक्षत को पैसे दिए, विधि ने मेहमान को खाना खिलाया, विभू अपने पुत्र के लिए घड़ी लाया। यहाँ प्रथम वाक्य में संगीता अक्षत को पैसा देती है, दूसरे वाक्य में कर्ता क्रम मेहमान तथा पुत्र के लिए किया क्रिया कर रहे हैं, अतः अक्षत मेहमान तथा पुत्र संप्रदान कारक कहलाएंगे। पांचवा है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से। जिस शब्द से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, यानी पेड़ से क्या गिरा, पत्ता गिरा, तो यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है। उसी तरह बादल से पानी बरसा, कार्तिक कानपुर से निकल चुका है। उपयुक्त वाक्यों में पेड़, बादल, कानपुर, क्रमशः पत्ता, पानी व कार्तिक, इससे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अतः बादल तथा कानपुर और पेड़ अपादान कारक कहलाते हैं। अगला है संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह है का के की। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से ज्ञात हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है का के की ना ने नी। ये सारे सब चिन्ह जो है वो संबंध कारक के हैं, यानी यह विकास का मित्र है, वह सीता की बहन है, ये सविता के पिता है। उपयुक्त वाक्यों में विकास का संबंध मित्र से, पिता का संबंध बहन से और सविता का संबंध पिता से है, यहाँ प्रकट हो रहा है। अतः वाक्यों में विकास, सीता और सविता क्या होते हैं, संबंध कारक। सातवां नंबर है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। जिस शब्द से क्रिया का आधार प्रकट होता है, जिस शब्द से क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह है में पर। जैसे घर में लोग बैठे हैं, गाय सड़क पर घूम रही है। उपयुक्त वाक्यों में घर तथा सड़क अधिकरण कारक है, क्योंकि घर तथा सड़क क्रमशः लोगों के बैठने और गाय के घूमने के क्रियाओं का आधार है। आठवां नंबर है संबोधन कारक, जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं, इसका चिन्ह क्या है, हे, अहो, अरे, अजी। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, सोहन कहाँ जा रहे हो, ओ लड़के यहाँ आ, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। उपयुक्त वाक्यों में प्रभु, सोहन, लड़के, बच्चों का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है, अतः प्रभु, सोहन, लड़के, बच्चों का संबंध संबोधन कारक से है। संबोधन कारक वाक्य के क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता, संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह अवश्य लगा होता है, यानी इसको क्या कहते हैं हम, अल्प विराम चिन्ह। तो स्टूडेंट ये था आपका कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के चिन्ह, इसको आप याद कीजिएगा अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।